आप देख रहे हो गाड़ी रिव्यू, मैं हूँ आपका भाई छोटू तिवारी। सामने आपका खड़ा है भाई एक्सल 6 और ये इसका जेट्टा मॉडल है। इसमें आपको टोटल 3 मॉडल मिल जाता है, जेट्टा मिलता है, अल्फा मिलता है और अल्फा प्लस है। जेट्टा है भाई तो ये इसका बेसिक मॉडल है, जरूरत के हर चीज मिल जाता है। हेडलैम्प का बात करें तो आपको 4 जोन में LED हेडलैम्प मिल जाता है, साथ में आपको LED रियर मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ पे आपको हाइलोजन बेस में फॉग लैम्प मिल जाता है। सामने से बात करें तो सिल्वर फिनिश में आपको स्कर्ट प्लेट मिल जाता है और कुछ इस तरह से फ्रंट से लुक निकल के आता है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिलता है और आगे की तरफ भाई क्रोम फिनिश का गार्निश मिलता है जो देखने में काफी शानदार लुक निकाल के देता है। साइड लुक का बात करें तो भाई आपको बॉडी कलर में रिम मिल जाता है, उसमें आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है और क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल मिल जाता है। ड्राइवर साइड साथ में आपको को पैसेंजर साइड के डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और सिल्वर फिनिश में आपको कंपनी फिटेड रूफ रेल मिल जाता है। इसमें आपको पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक मिल जाता है और आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इसमें आपको कंपनी फिटेड एलॉय व्हील मिल जाता है। टायर साइज का बात करें तो 195/60/R16 का टायर प्रोफाइल देखने को मिलता है। आपको फ्यूल फिलअप कैप मिल जाता है और इसमें आपको 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो भाई आपको शार्प टाइप एंटीना मिल जाता है, आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, यहाँ पर आपको वाशर मिल जाता है, यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलता है और ये भाई वाइपर मिल जाता है। पीछे की तरफ भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है और आपको पूरा ग्लोसी ब्लैक मिलता है और यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। लाइट का बात करें तो कुछ इस तरह से आपको टील लाइट का पूरा सेटअप मिल जाता है, यहाँ पे आपको XL6 का बैजिंग मिल जाता है। नीचे की तरफ इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है और यहाँ आपको रिफ्लेक्टर बेस लाइट मिल जाता है। इस साइड में आपको स्मार्ट हाइब्रिड का बैजिंग मिल जाता है। भाई ये भाई अंदर जाने का, अंदर जाने से पहले की दिखाएंगे और कुछ इस तरह से आपको की मिल जाता है। इस साइड में आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, इस साइड में आपको लॉक अनलॉक ड्राइवर साइड, साथ में आपको को पैसेंजर साइड में डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है और सभी डोर हैंडल भाई आपको क्रोम फिनिश में मिलता है। ड्राइवर साइड डोर स्टीम का बात करें तो यहाँ पे आपको पावर विंडोज बटन मिल जाता है। ड्राइवर साइड आपको वन टच मिलता है और यहाँ आपको सेंटर लॉकिंग का मिल जाता है। भाई यहाँ से आप अपना ORBM एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों का। भाई ये भाई आपको पूरा वुडन फिनिश मिल जाता है और ये आपको सोफा दे दिया जाता है। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर और यहाँ थोड़ा स्पेस। इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर मिल जाता है। सीट का बात करें तो भाई आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ लेदर फिनिश में आपको सीट मिल जाता है। यहाँ से आप अपना हेडलाइट का थ्रो ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ आपको ऑन ऑफ का बैजिंग मिल जाता है, यहाँ पे भाई स्पेस मिलता है जो आप कुछ रख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको ABC पैनल और साथ में डेट पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। भाई ये जो पोर्शन है ना, ये आपको पूरा वुडन फिनिश मिल जाता है। स्टेयरिंग का बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। एडजस्टमेंट का बात करें तो इसमें आपको टिल्ट दिया जाता है, टेलीस्कोप नहीं दिया जाता है। इस साइड में आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको कॉलिंग फंक्शन वॉइस कमांड मिल जाता है और इस साइड में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। इस साइड में आपको वाइपर कंट्रोल मिलता है और इस साइड में आपको हेडलाइट कंट्रोल मिल जाता है। इसमें आपको 8000 RPM तक ले टेकोमीटर मिल जाता है, 220 स्पीड मार्जिन तक ले स्पीडोमीटर मिल जाता है। इस साइड में आपको इंजन टेम्परेचर दिख जाता है भाई और इस साइड में आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। इसमें आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाता है, सब चीज़ आपको शो कर देता है। भाई आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। भाई चारों गेट पर आपको 4 स्पीकर मिल जाता है और 2 ट्विटर मिलता है, एक यहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाता है और एक वहाँ पर आपको ट्विटर मिल जाता है। ये आपको वुडन फिनिश मिल जाता है भाई, यहाँ पर आपको हजार बटन मिल जाता है। यहाँ भाई आपको AC कंट्रोल मिल जाता है, इसमें आपको ऑटो डाइमिंग AC मिल जाता है। इस साइड में आपको फ्रंट डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाता है, रियर डिफॉगर का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपना AC ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना ऑटो में कर सकते हैं, यहाँ से अपना ऐसे फैन स्पीड बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भाई अपना टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और इस साइड में आपको USB एक पोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाता है। भाई एक चिल्ड कप होल्डर मिलता है भाई, इसको आप अपना हिसाब से टेम्परेचर घटा बढ़ा के और इसको आप अपना ठंडा भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ गियर नॉब आता है भाई, रिवर्स कन्वेंशनल आपको मिल जाता है और कुछ इस तरह से आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है भाई विथ स्टोरेज के साथ में। स्टोरेज भाई बहुत ज़्यादा नहीं है बट हाँ स्टोरेज है जिसमें आप बॉलेट वगैरह रख सकते हैं। ये आपको लेदर फिनिश में मिलता है। रिवर्स साइड सन वाइजर का बात करें तो इसमें आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। वहीं पैसेंजर साइड सन वाइजर का बात करें तो इसमें आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। रियर मिरर का बात करें तो आपको डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ में रियर मिरर मिल जाता है। यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर दिया जाता है, साथ में आपको 2 लैंप हाइलोजन बेस में दिया जाता है और यहाँ पे आपको माइक दिया जाता है। और डोर स्टीम का बात करें तो भाई यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको पावर विंडोज बटन मिल जाता है
यहाँ आपको बोतल होल्डर मिलता है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, यहाँ आपको स्पीकर मिल जाता है। लेदर फिनिश में आपको सीट मिल जाता है, यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं, आगे से अपना स्क्रॉल कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। साथ में आपको सेकंड और सीट पे भाई कैप्टन सीट है, तो इसमें आपको आर्मरेस्ट भी दे दिया जाता है। लेग रूम का बात करें तो अच्छा खासा लेग रूम भी है भाई, वो जो बैठ के भी हम दिखाएंगे। और लेग थाई सपोर्ट का बात करें तो लेग थाई सपोर्ट भी भाई आपको अच्छा खासा लेग थाई सपोर्ट मिल जाता है। लेग रूम भी आपको भाई अच्छा खासा ही लेग रूम मिल जाता है। और ऊपर की तरफ भाई आपको एसी वेंट दे दिया जाता है, और यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल मिल जाता है। और इसका एसी वेंट भाई काम करता है, आगे से हवा लेकर और पीछे की ओर दे देता है। थर्ड रो जाने के लिए सबसे पहले तो ये आपको सीट को है ऐसे आगे करना होगा, और यहाँ से आपको आगे कर लीजिए, उसके बाद आराम से अपने थर्ड रो में आ सकते हैं भाई। थर्ड रो लेग रूम का बात करें भाई तो लेग रूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है अदर गाड़ियों से, क्योंकि देख सकते कैप्टन सीट होने के बाद आपको कंफर्टेबली दो आदमी पीछे भी बैठ सकता है। यहाँ पे आपको थर्ड रो में भाई कप होल्डर भी मिल जाता है, साथ में आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है। ऊपर की तरफ में आपको हाइलोजन बेस लैंप भी दे दिया जाता है भाई। पीछे की तरफ आपको कहीं भी एसी वेंट देखने को नहीं मिलता है, आपको सेंटर में ही जो एसी वेंट देखने को मिलता है वही आपको फ्लो करके पीछे तक ठंडक महसूस करवाएगा भाई। वो कैप्टन सीट के साथ एक्सेल 6 सीटर में आता है, और 6 के 6 सीट में आपको एडजस्टमेंट के साथ दिया जाता है। एक्सेल 6 भाई 6 सीटर कैप्टन सीट के साथ 6 सीटर आता है, और 6 सीटर आने के बाद भी इसमें आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और ए भाई इसके नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है, इसका स्पेयर भाई यहाँ पे आपको कैरी मिलता है, और स्टेपनी व्हील भाई नीचे की तरफ देखने को मिलता है। रियर साइड के डोर पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है, और यहाँ भी भाई आपको वुडन फिनिश मिलता है। यहाँ पे आपको पावर विंडोज बटन मिल जाता है, यहाँ आपको बोतल होल्डर स्पीकर। ग्लव बॉक्स का बात करें तो आपको अच्छा खासा स्पेस के साथ ग्लव बॉक्स मिल जाता है। लेंथ का बात करें तो 4445 mm का कुल लेंथ मिल जाता है। विड्थ का बात करें तो 1775 mm का आपको विड्थ मिल जाता है। हाइट का बात करें तो भाई 1755 mm का आपको हाइट मिल जाता है। 209 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है भाई। व्हील बेस का बात करें तो 2740 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। इंजन का बात करें तो 1.5 लीटर का आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। 101 bhp प्रोड्यूस करता है, 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल देता है। माइलेज का बात करें तो भाई 20 का माइलेज कंपनी क्लेम कर देती है। इंजन जो है भाई काफ़ी रिफाइंड है, ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह पूरा फिट करके देती है। आपको ABS मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग मिल जाता है, EVD मिलता है। इसमें आपको 4 एयर बैग मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, TPMS नहीं मिलता भाई, EVD मिल जाता है, पावर डोर लॉकिंग मिल जाता है, और हील असिस्ट मिल जाता है। इसको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सपोर्ट। इसमें आपको 4 स्पीकर मिल जाता है, 2 ट्विटर मिलता है। एक्सेल 6 अल्फा वेरिएंट का प्राइस का बात करें तो भाई आपको 100 रूम प्राइस 11,56,000 रुपया पड़ जाता है। ऑन रोड प्राइस का बात करें तो अभी हम खड़े हैं गोपाल नेक्सा बाईपास रोड पटना, तो यहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस 14,16,000 रुपया पड़ जाता है। गाड़ी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।